हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आपने पिछले दो जो लेक्चर्स हैं आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको कार्ड मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें और पिछले लेक्चर जो हैं वो पहले देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो आज मैं सिर्फ रूट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन जो है SBI IBPS PO के जो रिसेंट अभी एग्जाम हुआ है SBI का, उसमें भी आया था और कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी सर प्लीज़ पहले रूट वाले क्वेश्चन करवाएं। तो आज रूट वाले क्वेश्चंस मैंने 8 क्वेश्चन हैं वो मैंने अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो पिक किए हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसको ध्यान से देखिए, 2x² - 15√3x + 84 = 0। अभी ध्यान से देखिए, आपको रूट थ्री में एक फैक्टर जरूर निकालना है, राइट। एक चीज का ध्यान दें, √3 × √3 = 3, ये आई होप आपको पता ही होगा। फैक्टर्स निकाल तो स्टूडेंट्स ने कई स्टूडेंट्स ने पूछा था सर जल्दी से जल्दी फैक्टर्स कैसे निकालें। अभी 84 है, दिमाग में पहले ही चला लें यार, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 12 × 7 = 84 होता है, तो 12 के फैक्टर तो आराम से आप फाइंड आउट कर लेंगे और 7 के भी कर लेंगे, राइट। 2 × 2 = 4, 3 = 12, 7 = 84, ये एक सिंपल वे में कर सकते हैं। अभी 3 को यहां से निकालिए, 3 के क्योंकि आपको रूट्स में निकालना है, रूट्स में निकालेंगे तभी जो एडिशन है वो रूट में आएगा। अभी ध्यान से देखिए, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 का रूट यहां पे और 7 का रूट √3 यहां पे, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 7 = 15 आ जाएगा, और दोनों को ऐड किया तो ये आपका जो है आंसर वेरीफाई करेगा, राइट। अभी एक्स की वैल्यू निकालिए, 8√3, और ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा तो वैल्यू आ गई है 4√3, और दूसरी वैल्यू है 7√3 / ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाती है 3.5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपेयर ही करना है और दोनों में √3 √3 है तो √3 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एक इक्वेशन में √3 है और दूसरी इक्वेशन में √2 है, या एक दोनों रूट्स अलग हैं, एक में √3 आ गया एक में √13 आ गया, तो वहां पे आपको जो पॉइंटों में आंसर निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई थोड़ा सा करना पड़ेगा तभी आप कंपेयर कर पाएंगे ना एक्स और वाई को। यहां पे देखिए, 3y² - 10√3y + 9 = 0। ध्यान से देखिए, 3 यहां पे आ गया और 3 यहां पे, ये वाला तो यहां पे, लेकिन एक जो 3 है उसको आपको रूट में लिखना पड़ेगा ताकि आपका आंसर जो है रूट्स में आप एडिशन कर पाए, राइट। अभी ध्यान से देखिए, अभी क्या करेंगे, इसको लग रख लीजिए, इसको लग रख लीजिए, ये आ जाएगा, समझ रहे हैं, इन तीनों को लग रख लिया, इसको लग रख लिया, तो दोनों माइनस में है तो y की एक वैल्यू तो आ जाएगी 9/3√3, ये आ गया आपका 3√3, और दूसरी y की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी √3/3, तो 1/√3। तो ये आपकी x और y की वैल्यू जो है आ रही हैं, तो सिंपली ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं है। x देखिए, ये वाला नंबर दोनों से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, और ये वाला नंबर जो है इन दोनों से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, तो सिंपली x जो है फाइनली y से बड़ा है और ये आपका आंसर है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को एक बार पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां पे एक डिफरेंस बस मैं आपको टिप दे देता हूं, यहां पे रूट्स अलग हैं, यहां पे √2 है, यहां पे √3 है, तो आपको रूट जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप कंपेयर कर पाए पहली इक्वेशन को y की वैल्यू को और एक्स की वैल्यू को, तभी कंपेयर कर पाएंगे ना। अगर यहाँ पे रूट पॉइंट्स में आंसर होगा, जैसे 4.2 को आप 4.5 से तभी कंपेयर कर पाएंगे जब आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर होगा, यहाँ तो सीधा ये भी √2 होता, ये भी √2 होता, या दोनों √2 होते या दोनों √3 में आंसर आते, तब तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है। तो चलिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा होगा वीडियो पॉज करके, ऐसे ही देखते नहीं जा रहा है, ऐसे अगर देखी जाएंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्व नहीं होता तो सॉल्यूशन देखें। चलिए, x² - √2x - 24, अभी 24 की वैल्यूज निकालें, वही जो मैंने आपको बताया था, 12 × 2 = 24,
2 दुनी 4, 2 दुनी 4, 2 दुनी 8, 3 24, राइट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपको रूट टू है यहाँ पे, तो एक टू का आपको यहाँ पे रूट टू और रूट टू बनाना पड़ेगा ताकि आप रूट टू का सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर निकाल सके। अभी ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं इसको पकड़ लूं 2 दुनी 4 और इनको एक बार पकड़ लूं और इसको अलग से पकड़ लूं, 4 का रूट 2 है और 3 का रूट 2 है, प्लस माइनस बाद में देखिए, अभी इसको माइनस में कर देते हैं, इसको प्लस में कर देते हैं, तो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर जो है आ जाता है। आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो माइनस रूट टू आ जाएगा आपका। तो एक्स की वैल्यू निकालें, एक वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 2, यहाँ पे तो 1 ही है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी वैल्यू है -3 रूट 2, तो ये दो वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। तो चलिए वाई के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, 4y² - 8√3y + 45 = 0। अभी ध्यान से देखिए, अभी खुद कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। अभी यहां पे देखिए आपको क्या चाहिए, यहां पे तो सिंपली 1 है, तो इसके रूट्स देखिए क्या हो जाएंगे। पहली बात तो 15 + 3 = 45, मैं माइंड में करता हूं 15 + 3 = 45 हो जाता है, 3 का अलग से आ जाएगा, और उसके बाद 15 क्या होता है 5 और 3, राइट। लेकिन 3 को फिर से बांट दीजिए √3 √3 में ताकि आपका जो √3 में आंसर निकल सके, राइट। अभी ध्यान से देखिए इसको, अगर 5 इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 5 का √3 ये भी माइनस में और -3 का √3 ये भी माइनस में, तो टोटल आपका -8 का √3 आ जाएगा। तो अभी y की वैल्यू जो है ये आपकी आ जाएगी 5 का √3 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू 3 का √3। अभी इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे मुश्किल जो ये हो जाती है, अभी √3 वैल्यू वाली वैल्यूज को √2 वाली वैल्यू से आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कीजिए √2 की वैल्यू जो है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.41 के तकरीबन होती है और √3 की वैल्यू जो है 1.73 के तकरीबन होती है। एग्जैक्टली निकालने की खास कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये वैसे ही माइंड में कर लीजिए, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तकरीबन कितना आंसर आएगा, राइट। तो ऐसे तकरीबन निकाल के चलिए, 14 को कीजिए 4 से मल्टीप्लाई, अपने माइंड में कीजिए 14 × 2 = 28 होता है, उसके बाद कीजिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए, 56 के तकरीबन आता है, तो 5.6 के तकरीबन आपका आंसर आएगा। एग्जैक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम वे में इधर चलिए, ये तो वैसे भी माइनस में है, राइट, 3 से कर भी लिया तो माइनस में है, 4.2 माइनस में आ जाएगा। अभी ये वाले देख लीजिए, 17 को ये है 1.73, सीधा 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका बनेगा जी 5.2 के तकरीबन, राइट। और इसको करेंगे ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ये तो 7-8 के तकरीबन कुछ नंबर बन ही जाएगा, तो इसको छोड़िए, ये तो वैसे ही सबसे बड़ा है, कंपेयर ही करना है ना, समझ रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कैलकुलेशन करने की वहाँ मत कीजिए। तो अभी यहाँ से देखिए एक बार, 5.6 इन दोनों के बीच में आ चुका है, राइट, ये 5.6 नंबर है, इन दोनों के बीच में आ चुका है। जब भी कभी x की ये वैल्यू y की दो वैल्यूज के बीच में कहीं आ जाए तो आप कोई कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं ना कर सकते। देखिए x की एक वैल्यू है, मान लीजिए x की एक वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू कुछ भी मान लीजिए आप 18 या कुछ भी है, y की वैल्यू 1 है 9, 1 है 12। अब आपसे पूछा जाए क्या x y से बड़ा है या छोटा है, अगर आप कहेंगे बड़ा है, 9 से कंपेयर करके कहेंगे कि जी बड़ा है, तो 12 से तो छोटा है ना, तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, आप नहीं कुछ कह सकते, आप कहेंगे कि यार कुछ नहीं पता, नहीं डिसाइड नहीं कर सकते। सो सी आंसर है नो रिलेशन, सी आंसर है, कोई रिलेशन आप फाइंड आउट यहां पे नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां पे भी सेम सा फंडा आ गया है, √3 अलग है और √2 अलग है, एंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहां पे कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। x², वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार सॉल्व कीजिए, फिर दोबारा आइए, और नहीं निकला तो एक बार कोशिश कीजिए समझने की कैसे मैंने किया है, और अगर आपने कर लिया है आंसर वेरीफाई करना है तो वीडियो को थोड़ा आगे लेकर जाके चेक कर लीजिए आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है कि नहीं। -5√3 अब एक्स है -42, अभी यहां से देख लीजिए 42 जो है 14 के टेबल पे 42 आता है, 14 + 3 = 42, राइट, 2, 7 और 3
और मैं थोड़ी सरकारी स्कूल वाली लैंग्वेज बोलता हूँ क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो 2 7 √3 रूट थ्री, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 को इन दोनों को पकड़ लीजिए और इन दोनों को देख लीजिए, 7 √3 - 2 √3 तो ये 5 √3 बनेगा आपका। इसको माइनस में ले लीजिए, इसको प्लस में ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी जो कंडीशंस है ये आपका सॉल्व करे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 √3 और दूसरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 √3 क्योंकि यहाँ पे प्लस में थी तो साइन तो चेंज होंगे ही, राइट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला लेक्चर पहले देख लें, तो वो मैंने बहुत बेसिक सा करवाया हुआ है। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे वाई वाली, -8√3 - 30 = 0। यहाँ पे देख लें 15 दुनी 30, राइट, पहले तो 15 3 5 15 दुनी 30, अभी 2 को तो √2 √2 पे लीजिए ताकि आपका आंसर जो है इसको सेटिस्फाई करे √2 को, राइट। इसको ध्यान से देखिए, 5 का √2 और दूसरी आ जाएगी 3 का √2, तो दोनों सेटिस्फाई करिए, दोनों माइनस में लीजिए, अब वाई वाई की एक वैल्यू आ जाएगी 5 का √2, दूसरी की वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 का √2। अभी लेकिन आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये √2 वालों को आप कैसे कंपेयर करेंगे, मुश्किल है, राइट। करना कुछ नहीं है, √3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1.73 के तकरीबन, √2 की भी वैल्यू पता है 1.4। 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से और कोशिश कीजिए 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर इससे और इसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आंसर निकालना जरूरी नहीं है। अब ये चीज़ की ये चीज़ समझिए पहले, मैं भी कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालता हूँ, आपको भी निकालने की कोई खास कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही मतलब 1.41 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा 14 का टेबल याद है जी, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और 17 का टेबल तो जी याद है जी, 17 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ठीक है, -3.4, और यहाँ को 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो इस हिसाब से हम कर रहे हैं, राइट, तो आराम से कीजिए, राइट। तो अभी निकालते हैं, ये 11 12 के तकरीबन तकरीबन आपका आ जाएगा, राइट। अभी इसको कंपेयर करते हैं, क्या ये 11 12 जो नंबर है ये ऑब्वियसली वाई से बड़ा है, राइट, लेकिन ये जो साढ़े -3.4 है, ये जो नंबर है, एक सेकेंड रुकिए, ये जो -3.4 नंबर है ये नंबर छोटा है, तो कोई कंक्लूजन आप यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकते। एक नंबर तो जी इसका आ गया बड़ा, एक नंबर बड़ा आ चुका है, एक नंबर बड़ा आ गया है वाई की वैल्यू से, ये दोनों वैल्यू से बड़ा आ गया, और दूसरा नंबर जो है दोनों वैल्यू से छोटा आ गया, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, सी जो है ये आपका आंसर है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को एक बार फिर से पॉज कर लें और खुद से क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें एक बार, x² जल्दी जल्दी करते हैं। अब x² - 6√3 x - 48, 12 चौक 48, ये दिमाग में यही फंडा लेकर चलिए, पहले 12 चौक 48, राइट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी 12 के फाइंड आउट करने हैं, 4 3 12, ठीक है, तेजी से ये फैक्टर फाइंड करने हैं तो माइंड में यही करना पड़ेगा 48 कहाँ पे आता है, तो थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी इसको ध्यान से देखिए, क्या 2 दुनी 2 दुनी 4 दुनी 8, इसको पहले पकड़ लीजिए, इन दोनों को अलग से पकड़ लीजिए, 8 का √3 और 2 का √3 इनको पकड़ लीजिए, ये माइनस में रख दीजिए, ये प्लस में रख दीजिए, तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है ये, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8√3 और दूसरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2√3। वाई के लिए सॉल्व करते हैं, रूट ये रूट में है वाई, ओके, 12 दुनी 24, राइट, अभी 12 का देख लीजिए, 4 3 12 होता है, अभी 2 जो है इसको, एक जो 2 है इसको मैं रूट में पकड़ लूंगा,
अभी ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, चार का रूट टू और तीन का रूट टू, राइट, इनको अलग से पकड़ लिया और इनको अलग से पकड़ लिया, राइट, इसको माइनस में पकड़ लीजिए और इसको प्लस में ले लीजिए, तो आपका जो है आंसर जो है वेरीफाई करेगा, राइट। तो फोर रूट टू यहाँ पे आ जाता है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू माइनस थ्री रूट टू। इस दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे जब तक आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा भी आइडिया भी नहीं है, ये नंबर तो बहुत बड़ा है, इसका तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये नंबर तो आप कह लीजिए कि 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत एक बड़ा एक नंबर बन जाता है, 15 के तकरीबन कहीं पे बन जाएगा, छोड़िए इसको, 15-16 के तकरीबन, 15 से 16, अभी इसको ध्यान से देखिए 17, ये भी आपका बन जाएगा 3.5 के तकरीबन, ये भी नंबर बन जाएगा, और ये वाला नंबर 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 5.6 के तकरीबन बन जाएगा, और ये माइनस में है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4.2 ये आपका आ जाएगा। अभी आपने आंसर निकालना है, यहाँ पे देखिए फिर से इसको छोड़िए एक बार, ये 3.5 को देखिए, 3.5 इससे तो बड़ा है ये वाली वैल्यू से, लेकिन ये वाली वैल्यू से छोटा है, तो यहाँ पे कहीं घुस जाता है ये नंबर 3.5, तो इसलिए नो रिलेशन कैन बी फाउंड, सी आंसर है, और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं फाइंड आउट होगा। कभी भी ऐसे होगा कि x की एक वैल्यू जो है आपकी इन दोनों के बीच में कहीं आ जाती है तो आपका नो रिलेशन होगा, राइट। अगला क्वेश्चन ये SBI PO में आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखें तो। तो चलिए पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पहले एक बार मैं कहूंगा ध्यान से देख लें इसको, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है वैसे अगर ध्यान से देखें तो, 2x² + 4, पेपर में तो आपको ऐसे इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप माइंड में कर सकते हैं, 2 यहां पे आ गया, 2 और फिर से 2 और फिर से √6। अब ध्यान से देखें अब क्या करना है आपको, इन दोनों को अलग पकड़ लें और ये अलग आ जाएगा, 4 ये अलग आ गया आपका, और ये 2√6 आपका अलग आ गया, और दोनों प्लस प्लस में आएंगे क्योंकि यहां पे सारे सिंबल प्लस में है, 4 में 4 प्लस, क्योंकि देखिए आपकी कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है, ये मल्टी फैक्टर को मल्टीप्लाई करने वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, मैंने 2 और 2 4 ही ले लिया, 2 और √6 ये भी ले लिया, अभी दूसरी कंडीशन है कि इनका सम और इसका सम सेम होना चाहिए, ये इसका सम और इसका सम सेम होना चाहिए, जी बिल्कुल है, तो यहां पे देखिए x की पहली वैल्यू क्या आएगी, -4/2, तो -2 पहली वैल्यू आ गई, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -2√6/2, तो ये आ जाएगी -√6। अभी y की वैल्यू निकालते हैं, अभी √6 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए सारे जो आंसर्स हैं यहाँ पे ये भी √6 में ही है, तो जरूरत नहीं है, तो थोड़ा फिर भी माइंड में रख लीजिए √6 की वैल्यू क्या है, तो 5y² + 10+√6y + 2√6। कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की, 5 यहां से आ गया और यहां से 2 आ गया और यहां से √6 आ गया, बहुत सिंपल है अगर ध्यान से एग्जैक्टली यही क्वेश्चन SBI में आया था, इतना सिंपल, ये 5 और 2 इनको अलग पकड़ लें, इसको अलग पकड़ लें, तो आ गया आपका कितना, 10 और 6 √6, दोनों प्लस में, बाहर माइनस होता तो सीन अलग होता, दोनों प्लस में, राइट। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी -10/5 -2, और दूसरी y की वैल्यू आएगी -√6/5, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें क्या -2 जो है वो -2 के बिल्कुल बराबर है, जी बिल्कुल बराबर है, और अभी दूसरी चीज देखें क्या -2 इस नंबर से बड़ा है कि नहीं, नहीं, -2 जो है छोटा है, तो पहली का आंसर क्या है, इज लेस देन इक्वल टू y, दूसरी इक्वेशन के हिसाब से क्या है, जो x जो है ये वाली इक्वेशन के हिसाब से अगेन, अभी -√6, अगर मैं √6 की बात करूं तो इसका आंसर एग्जैक्टली 2.5 के तकरीबन होता है, माइनस जो √6 है वो 2.5 के तकरीबन होता है, तो ये जो नंबर है इससे तो छोटा है, इससे छोटा है इसके हिसाब से और इससे भी छोटा है, लेकिन एक बार हमारा ये आ चुका है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो आप इसी को आंसर जो है वो टिक करके बिल्कुल घर आएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो आपने टिक कर लिया था। यस, अभी सातवां क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, मैंने बहुत अच्छे से ढूंढ के आपको प्रोवाइड किया है। ये SBI PO में ये क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही SBI PO में आए थे इस बार, और मैं होप करता हूं कि इस बार IBPS में ही भी ये क्वेश्चन आए, और बहुत कम किताबों में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। मैंने RS अग्रवाल, ये वो, RS अग्रवाल तो बिल्कुल देखता ही नहीं हूँ, बहुत चार पांच अच्छी बुक्स भी देखी, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत, आप कह लीजिए उनमें भी नहीं मिला। बहुत मुश्किल से मैंने अलग अलग तरीके की किताबों में से ये क्वेश्चन ढूंढे हैं। 2x² प्लस 4+√2 एक्स प्लस 2√2, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, 2 तो यहाँ पे है ही है, फिर 2 आ गया, और फिर तो इसको अलग पकड़ लें, इसको अलग पकड़ लें, एक 4 आ जाएगा, एक √2 आ जाएगा, दोनों प्लस के ले लें, इसकी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/2 माइनस 4/2, ये आपका -2 आ जाएगा, और दूसरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -√2/2, ये आपका क्या आ जाएगा, -1/√2। अभी वाई का सॉल्व करते हैं। y² -1+√3 वाई प्लस 3√3, फिर से इसको देखिए, 3 आ गया आपका, और एक √3 आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा करने लायक कुछ है नहीं, सिंपली इसको क्या करें, मल्टीप्लाई ही अगर करना है तो एक आपका आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा 3√3, सिंपल। अभी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, एक वैल्यू तो आ जाएगी माइनस सीधा 1, और दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी, यानी देखिए एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे माइनस का साइन था, और इनका टोटल जो था वो माइनस में चाहिए था, राइट। अगर बाहर माइनस का साइन है तो इसका अगर 1 -1 और -3√3 निकालेंगे तभी तो टोटल बराबर होगा ना, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा 3√3 आ जाएगा आपका। तो अभी इसको कंपेयर करना है, तो ये दोनों वैसे भी माइनस में है, दोनों प्लस में है, तो y जो है वो x से बड़ा आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, y x से बड़ा है, और ये आपका आंसर है, जो a है आपका आंसर है। आठवां क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल तीन चार क्वेश्चन मैंने आपको बहुत मुश्किल से ढूंढ के दिए हैं, ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, क्योंकि IBPS में इसके आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। 3√3, अगर ये क्वेश्चन IBPS PO के कम से कम प्री एग्जाम में आया, इस वीडियो को, ये वीडियो तो यहीं पड़ी रहेगी, प्लीज इस वीडियो पे वापस आइए और कमेंट कीजिए, सर यस ये क्वेश्चन पेपर में आया है, पेपर वाले दिन ही कमेंट कीजिएगा। -6+√3, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन ये रूट वाला जरूर आएगा। ध्यान से देखिए, 3 तो यहाँ पे है ही है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 4 के रूट बता रहा हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय √3। अभी ध्यान से देख लीजिए, 2 × 3 = 6, ये क्वेश्चन वैसे होते बहुत आसान है, 6 तो यहाँ से पकड़ लिया आपने, और ये माइनस का आएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अभी ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस का साइन आप निकाल देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आप निकाल देंगे, तो आपका क्या बचेगा, -6 -2√3, और यही आपको टोटल जो है चाहिए, राइट। तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 6/3, तो ये आ गई आपकी 2, और दूसरी एक्स की वैल्यू जो है -2√3/3, तो ये आ जाएगी माइनस तो प्लस हो गया, 2/√3, तो ये आपकी वैल्यू है। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है तो 2 को 1.7 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना निकलता है, 1.30 आ गया था, तो कितना निकलेगा आपका, 30, तो तकरीबन 1.2 आपका आ जाएगा, तकरीबन निकालना आपने, एग्जैक्टली निकालेंगे तो फंस जाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3y² -2+√3, और बाहर y है +2√3। ध्यान से देखें, 3 × 2√3, अभी ये क्वेश्चन को देखिए, खास कुछ करने लायक है नहीं है, इसको लग पकड़ लें, इसको लग पकड़ लें, राइट, ये आ जाएगा आपका, लेकिन चाहिए माइनस में है, -2 और -3√3, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अगर ये ब्रैकेट को आप खोल देंगे तो -2 -3√3 आ जाएगा, और ये टोटल आपको चाहिए, ठीक है, ना कि ये। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 2/3, ये आपका बनता है 0.667,
और दूसरी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देख लीजिए, 3√3/3, तो ये आपका बन जाता है 3√3, ये √3 आपका बन जाता है सिंपल फॉर्म में। तो √3 की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.71, तो ये एक वैल्यू ये है, एक ये है y की, x की वैल्यू एक ये है और एक ये है। तो कंपेयर कीजिए, क्या 2 जो है इन दोनों से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है, इस इक्वेशन के हिसाब से x जो है x y से बड़ा है। इस इक्वेशन 1.2 जो है, 1.2 देखिए फिर से वही बात हो गई, ये पॉइंट y की वैल्यूज देखिए ये है 1.71 और ये x, ये y की वैल्यूज है और x की वैल्यूज के बीच में कहीं आ गई 1.2। अगर बीच में आ गई, ना तो x y से बड़ा है ना छोटा है, तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जो आंसर है ये सी को टिक करेंगे, सी को आंसर आप टिक करेंगे और घर आ जाएंगे, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज इक्वेशन, ये आपका आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल भी छोड़ के एग्जाम में बिल्कुल भी ना जाएं। IBPS PU का मेगा प्रिपरेशन कोर्स है, बिल्कुल ज्वाइन करें, उसमें सारे का सारा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, सारा सिलेबस कवर्ड है। और GK डाइजेस्ट की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करें, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है आपकी IBPS PU तक पहुंचने की, IBPS PU का एग्ज़ाम क्लियर करने की। अगर आप कोचिंग्स में जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मुझसे बात करी, एक्चुअली फ़ोन आते हैं मुझे कई बार, मेरे लैंडलाइन पे आ जाते हैं और मेरे तक पहुंच जाते हैं स्टूडेंट किसी ना किसी तरीके से। तो मेरे से कई बार बात होती है, सर कोचिंग सेंटर में 6,000-7,000 रुपये भरे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ये यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ इंटरनेट पे जो सिखा रहे हैं बिल्कुल गलत है। दिस इज़ नॉट द वे, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम भी वही सिखा रहे हैं। बट अगर हमारी लैंग्वेज या हमारे सिखाने का तरीका आपको समझ आता है तो इसको कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनके खुद के कईयों के पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं या वो वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो उनको खुद को आते हैं। यूट्यूब पे या बहुत कोई अच्छे टीचर हैं, उनको आप कोई भी क्वेश्चन देंगे वो करवाएंगे आपको। तो ये ब्यूटी है पूरी यूट्यूब की। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं रेगुलरली लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और IBPS PU मेगा प्रिपरेशन कोर्स को जाके आप इनरोल कीजिए। आप इनरोल करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे, तभी मुझे मेरा मोरल जो है वो बूस्ट होगा, हमें रिसोर्सेज मिलेंगे कि हम और टीचर्स भी आएँ इस इनिशिएटिव में और अच्छे से अच्छे लोग साथ में जुड़ें और आपका जो पेपर है वो क्लियर करवाने में हम आपकी मदद करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करते हैं वो कमेंट में डालिए, मैं उस पर एक अलग से सेशन करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू।